सन 2022 का बड़ा अजीब व गरीब चांद ग्रहण जो कि सन 2022 को लगेगा और सन 2022 का ये पहला चांद ग्रहण होगा। तो इस चांद ग्रहण के हवाले से जो है आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो चांद ग्रहण है सन 2022 का, तो इसको इतना अजीब क्यों कहा जा रहा है और इस चांद ग्रहण को सात रंग वाला चांद ग्रहण क्यों बताया जा रहा है। देखिए, चांद ग्रहण वैसे तो होते ही रहते हैं दुनिया में, साल में दो दफ़ा तीन दफ़ा। और चांद ग्रहण होने की जो वजूहात होती हैं वो ये होती हैं कि जब चांद और सूरज के दरमियान यानी कि चांद और सूरज के बीच में जब ज़मीन जो है आ जाती है, यानी कि ज़मीन का कुछ अक्ष जो है आ जाता है, तो सूरज की जो रोशनी होती है वो चांद के ऊपर नहीं पड़ पाती है, जिसकी वजह से जो है चांद की जो रोशनी होती है वो या तो मध्यम हो जाती है बिल्कुल या ख़त्म हो जाती है। तो उस वक्त जो है चांद को ग्रहण लग रहा होता है और चांद का जो रंग है बाज़ोकात वो बिल्कुल जो है तेज़ सुर्ख माइल यानी कि ब्लडी मून जिसे कहा जाता है, इस तरह का हो जाता है, या फिर जो है उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा जो है मध्यम हो जाती है और उसकी जो रोशनी है बहुत कम हो जाती है चांद की, जो ज़मीन पर नहीं पड़ पाती है। और बाज़ोकात बड़े अजीब तरह के भी जो है मनाज़र जो है चांद ग्रहण में देखने में आते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज जो है आपको इस चांद ग्रहण के हवाले से बता रहा हूँ जो कि सन 2022 के अंदर 16 मई को लगने जा रहा है। अब इस चांद ग्रहण में ये सात रंग जो हैं इसकी जो वजूहात है वो क्या है तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इस सन 2022 के इस चांद ग्रहण के अंदर ये पहला सन 2022 का जो है चांद ग्रहण है, जब इसका स्टार्ट होगा तो इस चांद ग्रहण का जो कलर होगा चांद का यानी कि वो कुछ और होगा जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और जब ये स्टार्ट हो चुका होगा तो उसका कलर जो चेंज हो जाएगा, जब ये मिड में आएगा तो और चेंज हो जाएगा, पीक पे आएगा तो भी इसका कलर चेंज होगा, और जब इसका अख्तिताम होगा तो भी जो है इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये जो चांद ग्रहण है इसको इसी वजह से जो है नासा ने ये बताया है कि ये चांद ग्रहण कई रंग जो है तब्दील करेगा चांद ग्रहण के दौरान। और इस चांद ग्रहण के हवाले से नासा जो है इस वक्त और मज़ीद रिपोर्ट जो है लेके आ रहा है, जैसे ही मज़ीद रिपोर्ट्स आएंगी तो आप लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करूँगा और इस चांद ग्रहण के हवाले से आपको मज़ीद अपडेट जो है देता रहूँगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस चांद ग्रहण के हवाले से जो भी अपडेट्स आती रहें वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।